नमस्ते पेरेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशनलाइजेशन एंड आई थिंक दिस इज योर द लास्ट क्लासेस ऑफ रेशनलाइजेशन चैप्टर. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द क्लासेस. ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. सो यस्टरडे सम क्वेश्चंस आर गिवन टू यू. ओके, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो कीप प्रैक्टिस मोर एंड मोर. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लासेस इज इफ एक्स इज इक्वल टू 2 + √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 / x³. अच्छा, तो हम लोग देखो क्यूब का क्वेश्चन आ गया है. क्यूब के लिए फॉर्मूला आना जरूरी है. ठीक है, एवरीबडी नो अबाउट क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ओके, इज इट क्लियर एवरीबडी. तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इट्स वेरी नेसेसरी टू यू, एंड a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला भी याद रख लेना. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² ओके, प्लस 3ab² ओके. दिस इज टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. इफ एक्स इज गिवन टू यू 2 + √3, देन इफ यू हैव टू फाइंड x³ + 1 / x³, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ x बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 1 / x. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड 1 / x. इफ यू रेसिप्रोकल द टर्म, देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 is there. सो इफ यू रेसिप्रोकल ईच द टर्म देन इट विल बी 1 / x एंड इट विल बी 1 / √3. नाउ लिसन केयरफुली, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल गया, 1 / x का वैल्यू पॉजिटिव में मिला है, लेकिन डिनोमिनेटर इरेशनल है तो इसीलिए इसको हम रेशनलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो रेशनलाइजेशन के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका नेगेटिव टर्म, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है तो इसलिए हमको नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, मल्टीप्लाई 2 + √3 दिस इज प्लस सो दिस इज माइनस. ओके, 2 - √3, इज इट ओके स्टूडेंट. ओके, देन 2 - √3 होल डिवाइडेड बाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, आई ऑल्सो राइट द फॉर्मूला हियर. ओके, a² - b² सो a का मतलब होता है 2 का स्क्वायर एंड √3 का मतलब होता है b. ओके, सो पुट द फॉर्मूला, दिस इज 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4 - 3, देन द आंसर विल बी 1 / x इज इक्वल टू 2 - √3. 4 - 3 का मतलब होता है 1. ओके, इफ यू राइट और नॉट टू राइट इट्स सेम आंसर, सो यू कैन राइट ऑल्सो दिस. ओके, सो 1 / x का वैल्यू हम लोग को मिल गया है. नाउ लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1 / x³. इसका बहुत सारा तरीका है लेकिन हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे. ठीक है, चलो बनाते हैं. अच्छा, द सेकेंड पार्ट आई विल राइट हियर. ओके स्टूडेंट, लिसन केयरफुली. सो क्वेश्चन में दे दिया है x³ + 1 / x का होल क्यूब निकालने के लिए. ठीक है, x³ कैन आई राइट x⁻³, 1 / x को लिख सकते हैं 1 / x को होल क्यूब. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड 1 / x. x का वैल्यू जो गिवन दिया है वो लिख लेना. ठीक है, इसका क्यूब एंड वी फाउंड 1 / x का वैल्यू सिंपल फॉर्म में हम लोग फाइंड किए हैं, इसको हम इधर डालते हैं. ठीक है,
नीचे नहीं डालना है बच्चों, यहाँ पे गलत करते हैं, इसका नीचे डाल देते हैं 1/2 माइनस रूट 3 करके, नहीं होगा क्योंकि हम लोग पूरा 1/x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, दिस इज सपोज ए एंड दिस इज सपोज बी, देन पुट द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ए का क्यूब है माने कि 2 का क्यूब प्लस बी का क्यूब है माने कि रूट 3 का क्यूब प्लस 3 × a का स्क्वायर माने कि 2 का स्क्वायर एंड बी जो है, बी का मतलब होता है रूट 3, ठीक है, प्लस 3ab का स्क्वायर, बी का मतलब होता है रूट 3 का स्क्वायर है। चलो, ये पहला पार्ट्स जो है 2 + √3 का होल क्यूब, उसका फॉर्मूला हम डाल चुके हैं, ठीक है। अभी डालना है a माइनस बी का होल क्यूब। ओके, तो दिस इज प्लस साइन, सो पुट प्लस हियर। ओके, सो यहाँ पे भी सेम इसका एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे क्योंकि a यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही a ही है एंड दिस इज b एंड दिस इज b हियर, सो पुट द फॉर्मूला। ओके, प्लस 3 × a² × √3 प्लस 3 × प्लस का नहीं होगा क्योंकि हम लोग माइनस लिख रहे हैं तो माइनस का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके, एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड माइनस 3a² प्लस 3ab², a का मतलब होता है 2 एंड b का मतलब होता है रूट 3 का स्क्वायर। आराम से देखिए किसका फॉर्मूला हम डाल रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला डाल रहे हैं, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला डाल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, विदाउट फॉर्मूला यू नेवर डू एनी मोर क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ सिंपलेस्ट द टर्म फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 दैट मीन्स 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 प्लस √3 √3 √3 √3 √3 √3, इसका मतलब होता है √3 × √3 = 3 एंड यहाँ पे बच गया √3। सो तीन बार हम √3 का क्यूब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 3√3। ओके, नेक्स्ट प्लस 2 × 4, ओके, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12√3। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है प्लस 3 × 2 = 6, ओके, लिसन केयरफुली, यहाँ पे क्या दिया गया है, √3 का स्क्वायर दिया है, सो √3 × √3 होता है 3 एंड 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा एंड 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18। ओके, इसका वैल्यू क्या आएगा, 18 आएगा स्टूडेंट, 18 आएगा, देखिए। ओके, देन प्लस 2 का क्यूब अगेन डालना है, कितना डालना है, 8 डालना है, √3 का क्यूब कितना डालना है, माइनस 3√3 डालना है, ठीक है। देखिए आराम से देखिए, जो भी डाउट रहेगा वो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, माइनस इसका वैल्यू जो हम लोग को मिला था वही वैल्यू ही है, सो यहाँ पे कैन वी राइट 12√3। ओके, एंड प्लस 18 किसका है, इसका वैल्यू 18 आया है, ठीक है। √3 √3 = 3, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। ओके, डन स्टूडेंट। सो यहाँ पे देखना चीज़ ये है, कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए, प्लस 3√3 कैंसिल विथ माइनस 3√3, ओके, एंड 12√3 कैंसिल विथ माइनस 12√3। ओके, नाउ यू एड ऑल द नंबर्स एंड गेट योर आंसर। ओके, 18 18 36 एंड 8 8, ऐड करना है, पूरा पूरी ऐड कर दो, ठीक है, 8 8 16, ओके, एंड 18 18 36, इसको ऐड करने से मिलेगा आप लोग को 52। ओके, 6 6 12 1 52, सो आंसर इज 52।
Okay, student. Is it okay? Write down. इसको लिख लेना. चलो फटाफट लिखो इसको. ओके चलो आंसर आ चुका है. ठीक है, कैन आई इरेज नाउ? यस ओके. योर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट इमीडिएटली. ओके बहुत सारा तरीका होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए ये स्टेप अप्लाई की क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आप लोगों को पता है. ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है, इसका हम कौन सा दूसरा तरीका में बनाते हैं. ठीक है, ये भी चीज़ हम बताएँगे आगे जाके. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 √8, ओके, फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x². सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ पे क्यूब होता था, यहाँ पे स्क्वायर है, एंड स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता है. क्या है स्क्वायर का फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेसिप्रोकल द टर्म विच इज़ गिवन टू यू. ओके, सो इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं. 1/x इज इक्वल टू 1/3 √8. नाउ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इट इज इन इरेशनल नंबर, सो वी हैव टू रेशनलाइज फर्स्ट. ओके, इसको हम रेशनलाइज करते हैं. 1/3 √8 प्लस में है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, चलो 3 √8 बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया है. चलो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन इट विल बी 3² √8² है. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं. चलो 3 का स्क्वायर क्या है? 3 × 3 = 9 एंड √8 √8 = 8. √7 √7 = 7. √6 √6 = 6. ये कैसे होता है कैसे नहीं ये सबको पता है. ठीक है, चलो यहाँ पे 8 डाल दिया मैंने. सो 1/x का वैल्यू क्या आया? फाइनली वी गेट 3 √8. नीचे 1 लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा. ठीक है, सो फाइनली वी हैव द वैल्यूज ऑफ x एंड 1/x. x का वैल्यू प्लस में है 3 + √8 एंड 1/x का वैल्यू 3 √8 में है. चलो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं. इसका भी दूसरा मतलब स्टेप है और प्रोसीजर्स है, बट डायरेक्टली वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑन दैट क्वेश्चंस. ओके, सो आई राइट डाउन. सेकेंड प्रोसीजर आई विल डिस्कस आफ्टर द नेक्स्ट रेशनलाइजेशन क्लासेस. ओके, एक्स स्क्वेयर को कैन आई राइट x टू द पावर होल स्क्वेयर प्लस 1/x टू द पावर होल स्क्वेयर. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड 1/x. x का वैल्यू क्या दिया गया है? 3 + √8 है.
चलो 3 + √8 का वैल्यू डालते हैं, 1/x का वैल्यू 3 - √8 में डालते हैं, ठीक है, 3 - √8। इज इट क्लियर एवरीबडी? अभी डायरेक्टली फॉर्मूला डालना है एंड यू ऑल नो वेरी वेल, ओके, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a into b, ओके, एग्जैक्टली प्लस में प्लस का साइन होगा तो हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे, माइनस साइन होता तो ब्रैकेट डालना पड़ता है, ठीक है। सो डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला हियर, प्लस √8 का स्क्वायर है, चलो -2ab - 2 × 3 × √8। इज इट क्लियर एवरीबडी? क्लियर? नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस। 3 × 3 = कितना होता है, 3 × 3 = √9 होता है, ठीक है, लेकिन √8 √8 8 है, ओके, प्लस 3 × 2 = 6 √8 + 9 + 8 - 6 √8। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे एक टर्म्स कट हो रहा है जहाँ पे +6√8 है और -6√8 है, ठीक है। चलिए इसको हम ऐड करते हैं, 9 और 8 = 17 प्लस यहाँ पे 17, सो आंसर विल बी योर 34। 34 इज द आंसर, ओके, राइट इट डाउन, फटाफट लिखिए अपना आंसर्स। इफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 3 + √8, देन फाइंड द आंसर्स, ओके, फर्स्ट यू रेशनलाइज्ड, यू गोट 3 - √8, ओके, देन पुट द वैल्यूज ऑन द प्लेसेस ऑफ एक्स एंड 1/x। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, I will erase this. Homeworks करके भेजना है within 8 PM and we will check each and every student's homeworks and those are not doing it and send it the homeworks before timing, we will call their parents, okay? So be careful, okay, and be attentive. Okay, answers लिख लीजिए, नहीं तो पिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दीज आर MCQ क्वेश्चंस, लाइक द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √3। √3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है? ऑब्वियसली पता होना चाहिए, √3 है, इसका हम रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1/√3, ठीक है, क्योंकि √3 √3 कैंसिल हो जाएगा। सो √3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर पूछे तो हम लोग को क्या लिखना है, 1/√3 है, ठीक है, 1/√3 है। सो आई राइट द क्वेश्चन, द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ, ओके, फैक्टर ऑफ √3 इज 1/√3। दिस इज MCQ क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ही है, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 + √3, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 + √3। चलो रेशनलाइजेशन फैक्टर 2 + √3 होने से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2 - √3 करते हैं, 2 - √3 करते हैं, तो 2 - √3 इज द फैक्टर ऑफ 2 + √3, ओके डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चंस आल्सो सेम, ओके, दिस इज फॉर √3 + √5, प्लस में है तो नेगेटिव ले लेना है, ठीक है, सो द आंसर इज √3 - √5 है। एंड सिमिलरली अनदर क्वेश्चन फॉर यू, 2 √5 - √3, माइनस में है तो हम लोग इसका प्लस वाला टर्म ले जाएंगे, ठीक है, इसका आंसर होगा 2 √5 + √3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो, ठीक है।
रूट थ्री है तो इसका वन बाई रूट थ्री होगा, प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबडी? यहाँ पे कुछ डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस टू देन फाइंड एक्स माइनस वन बाई एक्स। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना है एंड पुट करना है, ठीक है। सो दिस इज होमवर्क्स फॉर यू, ये वाला होमवर्क्स भी है, आप लोग खुद करिए। समझ में नहीं आएगा किसका आंसर रॉन्ग आएगा, सो आई विल चेक एंड टीच अगेन, ओके। सो फर्स्ट यू डू दिस क्वेश्चंस, ओके। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू जस्ट रेसिप्रोकल दिस एंड रेशनलाइज दिस एंड पुट द वैल्यूज ऑन दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर्स, ओके। सो दिस इज होमवर्क्स फॉर यू, ओके स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं। दिस इज योर सेवन नंबर क्वेश्चन। सो नाउ एट नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री प्लस रूट सेवन, एक्स का वैल्यू दिया है, फाइंड क्या करने के लिए बोला है, देन फाइंड एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर। देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू डालना है तो डालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल में है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम रेशनलाइज करते हैं, एक्स का वैल्यू एक सिंपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। थ्री माइनस रूट सेवन डिवाइडेड बाई, ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका होता है फॉर्मूला क्या, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ओके ओके स्टूडेंट। ओके चलो सॉल्व करते हैं। सॉरी, टू मल्टीप्लाइड विथ थ्री एंड रूट सेवन, दिस इज थ्री थ्री जा नाइन एंड दिस इज रूट सेवन, रूट सेवन सेवन, ओके। टू थ्री रूट सेवन डिवाइडेड बाई टू, नाइन माइनस सेवन का मतलब क्या है, टू है, सो टू टू कैंसिल है। सो एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स का वैल्यू सिंपल फॉर्म में आ गया थ्री माइनस रूट सेवन, थ्री माइनस रूट सेवन। इज इट ओके स्टूडेंट? एक्स का वैल्यू इरेशनल में था इसलिए वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेशनल, और रेशनलाइजेशन प्रोसेस में हम रेशनलाइज किए और एक्स का वैल्यू इस तरह आया है। अभी एक्स का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखना है फिर से, ठीक है। एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो एक्स का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस थ्री का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल, माइनस रूट सेवन का स्क्वायर है, रूट सेवन माइनस रूट सेवन इंटू माइनस रूट सेवन क्या होता है, माइनस माइनस प्लस है, रूट सेवन रूट सेवन रूट फोर्टी नाइन एंड इट इज़ प्लस सेवन, और रूट सेवन रूट सेवन इंटू रूट सेवन सेवन, ओके। सो डायरेक्टली यू कैन पुट द आंसर सेवन, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस है।
ठीक है, बिकॉज इवन नंबर इज देर, दैट्स वाई द आंसर विल बी पॉजिटिव. इफ देर इज एनी ऑड नंबर देन योर आंसर विल बी इन नेगेटिव. ओके क्लियर स्टूडेंट? ओके राइट इट डाउन, लिख लीजिए फटाफट. फटाफट लिख लीजिए क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इट इज, आई विल इरेज दिस क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट, x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 4. ओके यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है, इसलिए हम पहले x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 1 बाई x का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द क्वेश्चन. ओके यहाँ पे जो प्लस रूट 15 है, इफ़ आई विल टेक द टर्म्स इन राइट साइड देन इट विल बी नेगेटिव रूट 15 होगा. चलो x का वैल्यू मिल गया, अभी हम लोग को क्या चाहिए, 1 बाई x चाहिए. वी फाउंड 1 बाई x. ओके 1 बाई x को हम x को रेसिप्रोकल करने से 1 बाई x हो गया, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 15. ओके सो 4 माइनस रूट 15 है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो माइनस को प्लस, माइनस है इसलिए प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 प्लस रूट 15. इज इट क्लियर एवरीबडी, समझ में आ रहा है? 4 प्लस रूट 15 ऑल डिवाइडेड बाई, ये जो फॉर्मूला है आप लोग का पता है कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला. ठीक है, चलो 4 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 जा कितना होगा, 16 होगा. ठीक है, 4 4 जा 16 होगा एंड रूट 15, रूट 15 15. ओके रूट 15, रूट 15 15. मैम हम लोग कैसे जानेंगे रूट 15, रूट 15 15 है? चलो रूट मतलब कॉमन रूट होगा, 15 इंटू 15 कितना है, 225 है, 225 का स्क्वायर रूट बताओ मुझे. ठीक है, इस तरह लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15 एंड जो स्क्वायर रूट है वो आके इधर हाफ हो जाएगा, तो ये कैंसिल, देन आंसर इज 15. अदरवाइज यू कैन कॉमन द टर्म 15 इंटू 15. ओके आउट ऑफ 2 द आंसर विल बी 1, दिस इज आंसर 15. ओके एंड इजी टू रिमेंबर, जो भी नंबर होगा इक्वल नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वही नंबर होगा, जैसे रूट टू इज रूट टू इंटू रूट टू 2 है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 है, वैसे ही रूट 15 इंटू रूट 15 15 होगा. ओके चलो सो द आंसर विल बी 1 है, किसका वैल्यू हम लोग को मिल गया, 1 बाई x का वैल्यू मिल गया और यू कैन राइट 4 प्लस रूट 5, सॉरी 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15, यहाँ पे 4 प्लस रूट 15 5 लिखी थी मैंने, सॉरी हाँ 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15 बाई 1, सो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज 4 प्लस रूट 15. ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे. क्वेश्चन क्या पूछा है, x प्लस 1 बाई x का वैल्यू पूछा है, सो x का वैल्यू डाल दो, 4 माइनस रूट 15 है एंड 1 बाई x का वैल्यू जो आया उसको भी हम डाल लेते हैं इधर. ठीक है, सो दिस इज कैंसल्ड बिकॉज माइनस एंड प्लस एंड 4 4 8 होने से आंसर इज 8, आंसर इज 8. ओके डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं. ठीक है, जो नहीं लिखा है इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए. ठीक है, बिकॉज वी हैव नो मोर टाइम. ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा टाइम लेता है अपलोड होने में, और आप लोगों का नेट भी ज़्यादा ख़त्म होगा, इसलिए शॉर्टली वी आर डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3. ओके, देन वैल्यू किसका पूछा है, वैल्यू पूछा है एक्स क्यूब का, वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है. यहाँ पे देखो क्यूब रूट दे दिया है, एक्स का वैल्यू दिया होता तो हम लोग 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालते एंड यहाँ पे पुट करते. ओके, बट यहाँ पे एक्स क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट दिया है. ठीक है, चलो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. क्यूब रूट जब साइड चेंज करता है, ठीक है, क्यूब रूट जैसे मान लीजिए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है सपोज, सो एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो आंसर इज 2 आता है. 8 में आप पढ़ चुके हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. एंड क्यूब का बात करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू सपोज 8. ओके, सो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8. इस तरह हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं. एंड क्यूब रूट कितना है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2, माने कि आउट ऑफ 3 यू विल टेक 1. सो आंसर इज 2 होता था. इसका मतलब क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूब, और क्यूब साइड चेंज करके जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूब रूट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जैसे प्लस होता है साइड लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट जाने से माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, डिवीजन मल्टीप्लाइड होता है, वैसे ही क्यूब रूट और स्क्वायर होगा तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, एंड स्क्वायर रूट साइड चेंज करेगा तो स्क्वायर होगा. ओके, दैट्स व्हाई क्यूब रूट ऑल्सो इफ कमिंग अदर साइड देन क्यूब रूट इट विल बी ए क्यूब ऑफ लेफ्ट टर्म्स. सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक्स सिंपल है, एक्स यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब. एक्स का क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट, 2 + √3. 2 + √3 एक्स का क्यूब का वैल्यू हम लोग को मिल गया है. सो फाइनली वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन में हम डायरेक्टली डाल सकते हैं क्योंकि एक्स क्यूब का हमें पता चल गया है एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है. ओके, प्लस नीचे एक्स क्यूब है, नीचे एक्स क्यूब है, नीचे का जो वैल्यू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का वैल्यू नीचे भी हम डाल देंगे. ठीक है, लेकिन नीचे जो डाला गया है वो एक रेशनल नंबर है, उसको हम रेशनलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, चलो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, इसको नहीं करते हैं. ठीक है, ये पहले से न्यूमरेटर में है लेकिन जो डिनोमिनेटर में है उसको हम क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा. सो पुट ब्रैकेट, इफ देर इज प्लस देन वी विल टेक नेगेटिव 2 − √3, 2 − √3. ओके, फर्स्ट वी हैव टू रेशनलाइज दिस टर्म. ओके, 2 + √3 इसको हम रेशनलाइज करेंगे, दिस इज प्लस हियर, सो फाइनली दिस इज 2 − √3 डिवाइडेड बाई कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, a + b, a − b का फॉर्मूला, दिस इज a² − b² एंड ब्रैकेट क्लोज. ओके, एंड 2 − √3 इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 × 4 √3 √3 √3 √3 √3. सो फाइनली द आंसर इज 2 − √3 डिवाइडेड बाई हाउ मच स्टूडेंट, 1. 4 − 3 1. सो हम लोग को इसको लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा.
ठीक है। यहाँ पे देखिए रूट थ्री प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव में है तो ये कैंसिल हो गया, आंसर इज फोर, टू प्लस टू फोर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीका में हो जाएगा, बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें, ठीक है। चलो लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, थोड़ा स्पीड हो रहा है, तुम लोग पॉज करके पढ़ना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट थ्री माइनस टू रूट टू, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। थ्री माइनस टू रूट टू, इसका तो एक्स नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सो हाउ टू बी कैलकुलेटेड, ओके, बी कंसेंट्रेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर में भी आ चुका है, ठीक है, वन मार्क्स में, सो इट्स वेरी इजी, बट बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। सो थ्री को कैन आई राइट टू प्लस वन, टू प्लस वन का मतलब थ्री होता है, टू प्लस वन डाल दीजिए, थ्री के जगह में टू रूट टू है, ठीक। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। टू का मतलब रूट टू का स्क्वायर ना, चलो थ्री के जगह डाले टू प्लस वन, टू के जगह डाल रहे हैं रूट टू का स्क्वायर, ओके, प्लस वन का स्क्वायर है। मान लीजिए दिस इज ए फॉर यू, दिस इज बी फॉर यू एंड दिस इज टू ए, ए का मतलब रूट टू, बी का मतलब वन, टू ए बी। देखो आराम से देखो, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूट टू का स्क्वायर टू है, वन का स्क्वायर वन है, यहाँ पे देखो वन टू वन जा टू एंड रूट टू, माइनस का साइन वैसा ही है। देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में सेटिस्फाई हो रहा है, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट स्टूडेंट, ए माइनस टू ए बी है, इसीलिए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होता, इज इट क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ए बी नहीं लिखना है, ए की जगह क्या लिखना है, रूट टू लिखना है एंड बी की जगह क्या लिखना है, वन डालना है, सो दिस इज स्क्वायर, ओके। इट इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। टू माइनस वन का जो स्क्वायर है, स्क्वायर को रहने दीजिए एंड स्क्वायर रूट को निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट होगा वन बाई टू, टू टू कैंसल, सो द फाइनल आंसर इज टू माइनस वन, फाइनल आंसर इज टू माइनस वन, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, ओके। सो यू नीड मोर प्रैक्टिस, अदरवाइज यू विल नॉट डू एनी मोर, ओके। इस तरह एक क्वेश्चन हम होमवर्क्स में देते हैं, ठीक है, हम इधर नहीं बनाएंगे, आप लोग मुझे बना के छोड़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, दिस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क्स फॉर यू, ओके। क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लेना, रूट ओवर फाइव प्लस टू रूट सिक्स, इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए और मुझे होमवर्क्स में दे दीजिए, होमवर्क्स में दे दीजिए, ठीक है। आंसर रॉन्ग होगा तो हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, अगेन हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसका जो तरीका था, इसका जो तरीका था वही तरीका में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके, इट्स ओके स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एक और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू का हम कर रहे हैं इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में वन मार्क्स क्वेश्चन इज वेरी इम्पोर्टेंट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेवन प्लस रूट 48 इज दिस, रूट 48
एट। चलो रूट 48 यहाँ पे दिया है, ये पूछा है किसका स्क्वायर है, ये जो वैल्यू दिया है ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर पूछा है, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर पूछा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ओके दिस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। चलो ये किसका है देख लीजिए, 48 का पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 24 2 12 2 6 2 3। तो आप लोग को पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, ओके, टू फ्रॉम 2 2 यू विल टेक 1 एंड फ्रॉम 2 2 यू विल टेक अनदर 2। सो 2 2 जा हाउ मच स्टूडेंट, 2 2 जा 4 एंड रिमेन इज 3 हियर, सो 4 root 3, ओके। सो रूट 48 का स्क्वायर रूट हम इस तरह निकालते हैं एंड यू ऑल नो वेरी वेल, ओके, 4 root 3, दिस इज नॉट बाय, हाँ, ओके। तो इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, 7 का मतलब क्या है, 4 plus 3 है, इज इट क्लियर, 7 की जगह हम क्या डाल रहे हैं, 4 plus 3 डाल रहे हैं, प्लस 4 root 3। अब देखो इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, 4 को कैन वी राइट 2 का स्क्वायर, ओके, एंड 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग को पता है रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, ठीक है। इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा हम फॉर्मूला डालेंगे, 2ab, ए का मतलब इधर 2 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एंड बी का मतलब रूट 3 है। देखो ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज इक्वल विथ दिस, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इजंट इट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर। सो ए का मतलब होता है 2 हियर एंड बी का मतलब होता है रूट 3 इसका स्क्वायर है। सो कौन सा पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर दिस इज, सो आंसर विल बी 2 plus root 3, आंसर इज 2 plus root 3, दिस इज MCQ क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, राइट डाउन, ये इसका आंसर है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ओके, फटाफट लिख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं अभी, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान में रखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस ए रूट 10, ओके, इज इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 5। यहाँ पे वैल्यू किसका पूछा है, ए का वैल्यू कितना है बोलिए, ए का वैल्यू पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो ए इज ऑनन हियर, ओके, ऑनन वैल्यू यहाँ पे ए है, सो ए का वैल्यू पूछा है। थोड़ा क्वेश्चन को हम चेक करते हैं ठीक है कि नहीं, रूट ओवर 13 माइनस ए रूट 10 रूट 8 प्लस रूट 5, ओके। क्वेश्चन को बार बार चेक करना, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग लिखोगे तो आंसर अल्टीमेटली रॉन्ग ही आएगा, ठीक है। सो इट्स ड्यूटी टू यू फर्स्ट चेक द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन का जो साइन होता है वो साइन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा भी गलत होने से आंसर्स विल बी रॉन्ग, ओके, सो बी केयरफुल। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में हम बोले थे कि स्क्वायर रूट होगा सो इसका साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इफ देर इज स्क्वायर देन इट विल बी स्क्वायर रूट। सो हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम राइट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम उठा के कहाँ लेके आएंगे, राइट साइड में। सो राइट साइड में आने से स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट 13 माइनस ए रूट 10
is equal to, it is in the form of a plus b whole square. A plus b whole square, इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बच्चे क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को भूल जाते हैं और इसको इसका स्क्वायर बना देते हैं, इसका स्क्वायर बना देते हैं एंड 2ab को छोड़ लेते हैं. ठीक है, इस तरह नहीं होता है. इट इज़ ओनली पॉसिबल इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन्स, नॉट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स. ओके, एंड ये चीज़ हम क्लासेस में भी क्लियर कर चुके हैं. ठीक है, चलो रूट 8 को हम एन ए लेंगे और रूट 5 को हम बी लेते हैं. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? रूट 8 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 8 इंटू रूट 5, इजेंट इट? ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया. नाउ अच्छा, रूट 8 रूट 8 8 है, रूट 5 रूट 5 5 है. ओके, एंड ये जो चीज़ है मल्टीप्लीकेशन में हम कॉमन स्क्वायर रूट ले सकते हैं. ठीक है, रूट अवर 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 का मतलब इस तरह लिख सकते हो और यू कैन राइट 40. ओके, और ओके फॉर दैट आई विल राइट 8 इंटू 5. ओके, आप लोगों के लिए मैं 8 इंटू 5 लिख ली. ठीक है, चलो इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे. यहाँ पे हम लोग को चाहिए a का वैल्यू. हम लोग को क्या चाहिए? a का वैल्यू चाहिए, इसलिए a के साथ जो भी नंबर्स है उसको हम थोड़ा साइड में लेके जाएंगे, इनका साइड थोड़ा चेंज करने वाले हैं. ठीक है, 8 प्लस 5 का एडेड होगा तो दिस इज 13 प्लस 2 रूट 40. ओके, 8 फाइव्स आर 40 एंड दिस इज पॉजिटिव 13 हियर. इफ आई विल टेक 13 इन द राइट साइड देन इट्स साइन विल बी नेगेटिव. ओके, इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. देखिए 13 13 कैंसल बिकॉज इट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. नाउ 2 रूट 40, 40 का एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, 2 20 2 10. ओके, एंड आगे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, 2 एंड 5 पेयरिंग बोथ 2, सो बोथ 2 से हम लोग को 2 मिल जाएगा लेकिन दीज आर नॉट इन पेयर सो द आंसर इज रूट 10. 5 टू आर 10, रूट में रह जाएगा और पेयरिंग फ्रॉम 2 देन यू गेट 2 रूट 10. ओके, 2 दिस इज 2 ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. रूट 40 का वैल्यू डालिए 2 रूट 10. क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज 2 एंड 40 का जो रूट स्क्वायर रूट है दिस इज 2 रूट 10 है. ओके, माइनस ए रूट ओवर 10 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 रूट 10. नाउ रूट 10 रूट 10 विल बी कैंसल्ड. ओके, नाउ माइनस ए इज इक्वल टू 4 एंड ए इज इक्वल टू माइनस 4, सो द आंसर इज माइनस 4. दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लासेस एंड रैशनलाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज व्हाट्सअप मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स. ओके, वेरी सूनली. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू. ओके, ऑल द बेस्ट. बाय, गुड बाय.